क्या है मोदी का मेगा प्लान? देव नारायण के दरबार से होगा चुनावी शंखनाद, गुर्जर देंगे मोदी को आशीर्वाद या रहेंगे पायलट के ही साथ। जी हाँ, राजस्थान में 2023 की रणभेरी बजने से पहले भीलवाड़ा में मोदी की एंट्री बीजेपी का बड़ा प्लान है। क्या मोदी राजस्थान के गुर्जरों का दिल जीत कर 2023 की चुनावी चौसर में कांग्रेस का किला भेद पाएंगे? क्योंकि जानकारी के मुताबिक साल 2018 के चुनाव में सचिन पायलट के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष होने और उनको भावी मुख्यमंत्री मानकर राजस्थान के गुर्जरों ने कांग्रेस के पक्ष में अपना वोट दिया था। ये बात अलग है कि पायलट 4 साल गुजर जाने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी इससे पहले कब भीलवाड़ा आए थे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की ये दूसरी भीलवाड़ा यात्रा है। इससे पहले मोदी साल 2018 के विधानसभा चुनाव प्रचार में भीलवाड़ा आए थे और मोदी की इस यात्रा से भीलवाड़ा जिले की 7 में से बीजेपी को 5 सीटें मिली थी और कांग्रेस को मात्र 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। अब चलिए आपको बताते हैं कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेवाड़ का दौरा करने आए तो उस मिथक को भी तोड़ा कि जो मेवाड़ फतेह करता है वो राजस्थान पर राज करता है। जानकारी के मुताबिक जब प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा, उदयपुर का दौरा कर मेवाड़ के 7 जिलों में कुल 35 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 12 सीटों पर समेट के रख दिया था और 2 सीटें बीटीपी, 1 निर्दलीय खाते में गई थी, बाकी 20 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के इस मिथक को भी तोड़ा कि जो मेवाड़ साधता है वही राजस्थान पर राज करता है। अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि राजनीतिक जानकार क्या कुछ कहते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजनीति में कुछ यूं ही नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी का 2 महीने में दूसरी बार राजस्थान आना और भगवान देव नारायण के मंदिर मालासेरी में दर्शन करना, ये सब सियासी मौसम की मांग और आने वाले चुनाव का तकाजा है। क्योंकि पहले मोदी मानगढ़ में आकर आदिवासियों को भी रिझा चुके हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब जाट और गुर्जरों को लुभाने का कोई भी मौका बीजेपी और मोदी छोड़ना नहीं चाहते हैं। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि सचिन पायलट की लोकप्रियता पर क्या मोदी का असर देखने को मिलेगा। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भीलवाड़ा आना बीजेपी को कितना लाभ पहुंचाएगा। क्या मोदी सचिन पायलट के कांग्रेस में रहते हुए नाराज गुर्जरों को बीजेपी के पक्ष में कर पाएंगे? क्योंकि जानकारी के मुताबिक पिछले चुनाव में गुर्जर सचिन पायलट के कारण कांग्रेस के साथ गए थे, मगर ये तय है कि इस चुनाव में साल के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा शीतलहर के दौर में राजस्थान के राजनीतिक माहौल में गर्माहट ला देगा। राजस्थान तक के लिए भीलवाड़ा से प्रमोद तिवाड़ी की रिपोर्ट।